हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट लेक्चर के बारे में बात करते हैं तो लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में सीखा था, स्ट्रीम फंक्शन के बारे में हमने बात सीखी थी, ठीक है, कि वेलोसिटी पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है, स्ट्रीम फंक्शन होता क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में हमने बात किया था, ठीक है। अब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में हम बात नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, राइट। तो आप देखोगे कि आपके पास जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रीम फंक्शन और आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल वाला जो आपके पास पार्ट होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आप देखोगे अगर फ्लूइड काइनेमेटिक्स से अगर प्रॉब्लम आपके पास आता है तो इस पर्टिकुलर जोन से आपके पास प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है कि इस पर्टिकुलर जोन से आपके पास क्वेश्चन आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन आप ये देख रहे हो कि स्ट्रीम फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम में मैंने नंबर ऑफ सब क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है। सो उससे क्या होगा, इससे आपके पास एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला जो प्रॉब्लम है उसमें बोल के रखा है कि स्ट्रीम फंक्शन आपके पास गिवन है, शाई इज इक्वल टू एक्स वाई। पहली चीज आपको जो चेक करनी है वो चेक करनी है कि बताइए फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, ठीक है। तो शाई दिया है, चेक करना है कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास इसी में बोल के रखा है कि अगर आपके पास फ्लो इरोटेशनल है, अगर फ्लो इरोटेशनल है तो आपको वेलोसिटी पोटेंशियल और पोटेंशियल फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है, सेकंड क्वेश्चन में ये बोल के रखा है। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास शाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, कहां पे फाइंड करना है, आपके पास 0.23 पे फाइंड करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपके पास बोल के रखा है फ्लो रेट या फिर डिस्चार्ज बताना है, ठीक है। कहां आपके पास क्या गिवन है, आपके पास शाई गिवन है, शाई गिवन है, आपको फ्लो रेट और डिस्चार्ज बताना है अक्रॉस अ लाइन विद जॉइनिंग दी टू पॉइंट्स एंड टू पॉइंट्स आर 1, 1 एंड 2, 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन मेंशन है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये प्रॉब्लम आपके पास पोटेंशियल फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पोटेंशियल फंक्शन आपके पास डिफाइन है कि पोटेंशियल फंक्शन आपके पास क्या गया है, फाइव इक्वल टू 3xy गिवन है। पहला क्वेश्चन जिसमें बोल के रखा है चेक करना है, वेरीफाई वेदर द अबव फंक्शन इज वैलिड पोटेंशियल फंक्शन और नॉट, ठीक है। तो पहला आपके पास चेक करना है कि बताइए वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है या नहीं है। सेकंड आपके पास बताना है कि फाइंड द वेलोसिटी एट 0.21, अगेन आपके पास 0.21 अगर देखोगे तो वहां पे वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो फाई अगर आपको नोन है, दैट मींस वेलोसिटी पोटेंशियल नोन है, तो आपको स्ट्रीम फंक्शन बताना है शाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन, फ्लो रेट या फिर आपको क्या करना है, डिस्चार्ज बताना है अक्रॉस अ लाइन विद जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, दैट इज 1, 1 एंड 2, 2, राइट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पोटेंशियल फंक्शन से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम अगर आप देख रहे हो तो थर्ड प्रॉब्लम में आपके पास बोल के रखा है अ फ्लो इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्ट्रीम फंक्शन शाई इज इक्वल टू 2√3xy, ठीक है। तो यहां पे आपके पास क्या गया है ना, स्ट्रीम फंक्शन आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन में बोल के रखा है लोकेट द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास उस पॉइंट को लोकेट करना है जहां पे वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट है और आपके पास कितने का एंगल बना रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को बनाने से पहले आप जो पुराना वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम फंक्शन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया हुआ है आप उसे अच्छे से समझिए, उसके बाद इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद, ठीक है, सॉल्व करने के बाद ही आप इसके सॉल्यूशन पे जाना। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन को देखिएगा। अब देखिए यहां पे जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो तो पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल के रखा है, पहले क्वेश्चन में आपके पास यहां से देखेंगे तो स्ट्रीम फंक्शन आपके पास गिवन है और वो स्ट्रीम फंक्शन आपके पास क्या गिवन है, दैट स्ट्रीम फंक्शन इज नथिंग बट दी एक्स वाई, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन आपके पास गिवन है शाई इज इक्वल टू एक्स वाई। नाउ पहले प्रॉब्लम में आपके पास क्या चेक करना है, पहले प्रॉब्लम में आपके पास चेक करना है कि फ्लो आपके पास रोटेशनल है या फ्लो आपके पास इरोटेशनल है। तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास शाई गिवन है और मेरे को चेक करना है कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है, तो मैं क्या देखता हूं, अगर आपके पास फ्लो जो है वो टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर शाई जो है टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो फ्लो क्या होगा, फ्लो इरोटेशनल होगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो आपके पास फ्लो क्या होगा, तो फ्लो आपके पास रोटेशनल होगा, ठीक है। सो अगर मैं टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन की बात करता हूं तो टू डायमेंशनल जो लाप्लास इक्वेशन है दैट इज नथिंग बट द डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई बाई डेल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन है और अगर ये टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये शाई तो आपके पास क्या होगा, तो रियल रोटेशनल है, और अगर नहीं करेगा तो आपके पास रोटेशनल है, ठीक है। सो यहां से आप क्या करोगे, शाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, डेल शाई बाई डेल एक्स तो ये हो जाएगा वाई के इक्वल, नॉट डेल स्क्वायर शाई बाई डेल एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया आपके पास जीरो के इक्वल। सिमिलरली आपके पास अगर मैं डेल शाई बाई डेल वाई निकाल लूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इक्वल, और डेल स्क्वायर शाई बाई डेल वाई स्क्वायर निकाल लूं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो गया आपके पास जीरो के इक्वल, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, सो जीरो इज इक्वल टू आपके पास जीरो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब आपके पास जो लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन आपके पास
सेटिस्फाई कर रहा है और आपके पास अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है मतलब आपके पास जो फ्लो है वो फ्लो कैसा रहने वाला है, वो फ्लो आपके पास इररोटेशनल फ्लो है, इररोटेशनल फ्लो। तो जो पहला आपके पास क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर ए, उसमें यही बोला था चेक वेदर द फ्लो इज रोटेशनल या फिर इररोटेशनल। तो आपके पास कैसा आ गया, तो आपके पास देखोगे फ्लो आपके पास कैसा है, फ्लो इज इररोटेशनल, फ्लो इज इररोटेशनल। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर फ्लो इररोटेशनल है तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन को समझिए। इफ इररोटेशनल फ्लो इज एग्जिस्ट देन करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल फंक्शन, अगर फ्लो इररोटेशनल है तो मेरे को यह बताइए कि पोटेंशियल फंक्शन कितना होगा, आपके पास सेकंड क्वेश्चन ये पूछा है राइट। और हमें यह भी अच्छे से पता है कि आपके पास जो पोटेंशियल फंक्शन होता है वो इररोटेशनल फ्लो के लिए एग्जिस्ट करता है, इसलिए तो इररोटेशनल फ्लो को और क्या बोलते हैं, हम पोटेंशियल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास अगर इररोटेशनल फ्लो है तब आपके पास साई गिवन है, साई आपके पास गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पोटेंशियल फंक्शन। ठीक है, मतलब आपको फाई निकालना है अगर आपके पास साई गिवन है तो। क्लियर है? तो सेकंड प्रॉब्लम को देखिए, प्रॉब्लम नंबर बी। नाउ प्रॉब्लम बी को अगर देखोगे तो प्रॉब्लम बी को समझने से पहले अगर आपके पास क्या गया है, आपके पास साई गिवन है, साई गिवन है और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाई। ठीक है, उसके पहले आपके पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो रिलेशन है वो आपको पता होना चाहिए राइट। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, अगर साई, अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बात करता हूं डेल फाई बाई डेल एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, माइनस यू। और अगर मैं बात करता हूं डेल फाई बाई डेल वाई, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास माइनस वी के इक्वल। वैसे अगर मैं बात करता हूं डेल साई बाई डेल एक्स, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास वी के इक्वल। और अगर मैं बात करता हूं डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल वाई, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास माइनस यू के इक्वल। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में ये सब चीजें आपने देख लिया था। ठीक है, और इन रिलेशन को यूज करके आपको क्या निकालना है, अगर साई गिवन है तो आपको क्या करना है, तो आपको फाई निकालना है राइट। नाउ यहां से अगर आप देखोगे तो डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स, तो डेल साई बाई डेल एक्स क्या लिख सकता हूं, यहां से आपके पास साई गिवन है और वो जो साई है वो क्या गिवन है आपके पास, दैट इज एक्स वाई। सो डेल साई बाई डेल एक्स इसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास वाई के इक्वल। और साथ में अगर आप देखोगे तो डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स इसके इक्वल है, वी के इक्वल है। और अगर वी को फाई के फॉर्म में लिखूं तो मैं यहां से साफ साफ दिख रहा है, दैट इज माइनस डेल फाई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई। समझिएगा ध्यान से, डेल साई बाई डेल एक्स को क्या लिख सकता हूं, वाई। और जो यहां से देखोगे तो डेल साई बाई डेल एक्स इसके इक्वल है, वी के इक्वल है। और वी जो है वो किसके इक्वल है, माइनस डेल फाई बाई डेल वाई के इक्वल है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो डेल फाई बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस वाई, ये हो गया राइट। नाउ यहां से अगर इसको डिफरेंशिएट, सॉरी यहां से अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, फाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट होगा दैट इज एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपके पास। ठीक है, यहां से वाई के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया तो आपको क्या मिल गया, फाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस आपके पास एफ ऑफ एक्स। अब ये एफ ऑफ एक्स आपको क्या करना है, ये आपको निकालना है राइट। तो यहां से नाउ नेक्स्ट आप देख रहे होगे डेल, ये आपको निकालना है ठीक है, फाई एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है, तो आपके पास कंप्लीट फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो डेल साई बाई डेल वाई, डेल साई बाई डेल वाई किसके इक्वल हो जाएगा, डेल साई बाई डेल वाई इक्वल हो जाएगा एक्स के इक्वल। और यहां से अगर आप देखोगे डेल साई बाई डेल वाई किसके इक्वल है, माइनस यू के इक्वल है। और जो माइनस यू है वो किसके इक्वल है, डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल है, तो ये हो जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इक्वल राइट। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, एक्स इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स मेरे को मिला है राइट। नाउ यहां से अगर आप देखोगे तो ये फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया था एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं डेल फाई बाई डेल एक्स, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, पहला वाला टर्म हो गया जीरो प्लस ये हो गया क्या, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। नाउ डेल फाई बाई डेल एक्स अब यहां पे पुट कर दीजिए, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, नॉट डेल फाई बाई डेल एक्स इसके इक्वल है, डेल फाई बाई डेल एक्स ये इक्वल है आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स के इक्वल राइट। अब मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए था, एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां से अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स चाहिए तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेट करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज द एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, नाउ अब यहां से जो एफ ऑफ एक्स जो निकला है उसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट करिए फाई के, तो फाई के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस नाउ एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास कॉन्स्टेंट। नाउ यहां से आपके पास क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल गया, ये आपके पास निकल गया फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कांस्टेंट।
राइट तो आपके पास जो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में आपके पास पूछा था अगर फ्लो इरोटेशनल है, अगर फ्लो इरोटेशनल है तो पोटेंशियल फंक्शन आपको फाइंड करना है, मतलब आपको फाइंड फाई जो है वो फाइंड आउट करना था, तो आपने यहां से क्या कर लिया, आपने फाई जो है वो फाइंड आउट कर लिया। राइट नाउ थर्ड प्रॉब्लम को देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड प्रॉब्लम में आपके पास बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एट पॉइंट 23। ठीक है, आपके पास क्या करना है, 23 पॉइंट पे आपको वेलोसिटी जो है वो क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए प्रॉब्लम सी जो है उसमें आपके पास बोला है कि आपको क्या करना है, आपको वेलोसिटी बताना है 0.23 पे। प्रॉब्लम सी, नाउ आपको पता है अगर आपके पास शाई गिवन है, और शाई गिवन है, शाई कितना गिवन है, शाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ये आपके पास गिवन है, एक्स वाई ये आपको गिवन है, क्या बताना है आपको, बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी एट 0.23। आपके पास वेलोसिटी बताना है, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर वी आपके पास ये आपको कैलकुलेट करना है, मतलब आपको पहले u कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, देन v कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपके पास u और v कैलकुलेट करने के बाद रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, सो प्रॉब्लम बेसिकली है क्या, यहां से अगर आप देखोगे ये प्रॉब्लम आपके पास, आप देखोगे नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रॉब्लम आया है, बोलता है शाई दे देता है और बोलता है कि वेलोसिटी बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपके पास शाई गिवन है और आपको वेलोसिटी बताना है पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट मींस 2 और 3 पे, तो आपके पास शाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पता होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। तो यहां से अगर मैं बोलता हूं डेल शाई बाय डेल एक्स, नाउ डेल शाई बाय डेल एक्स इसका इक्वल होता है, अभी मैंने बताया था डेल शाई बाय डेल एक्स इसका इक्वल हो जाएगा, वी के इक्वल हो जाएगा, और डेल शाई बाय डेल एक्स वी, डेल शाई बाय डेल एक्स वी के इक्वल है, तो ये किसके हो गया, वाई के इक्वल। राइट, नाउ यहां से अगर देखोगे डेल शाई बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस यू, और डेल शाई बाई डेल वाई आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स। सो अल्टीमेटली यहां से अगर आप देखोगे तो आपके पास यू जो है वो क्या आ गया, यहां से यू इज इक्वल टू माइनस एक्स, और यहां से अगर देखोगे वी किसके इक्वल आ गया, वी आ गया आपके पास वाई के इक्वल। सो अगर आपके पास वेलोसिटी वेक्टर लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, दैट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई, ये हो गया आपके पास जे कैप। राइट, और अगर आपके पास वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास मैग्नीट्यूड पॉइंट दिया है तो मैग्नीट्यूड ही पूछा है, तो आप क्या लिख सकते हो, रूट ओवर ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास क्या हो गया, वी स्क्वायर। सो यहां से अगर देखोगे यू किसके इक्वल था, यू आपके पास इक्वल है माइनस एक्स के, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वी किसके इक्वल है, वाई के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ आपके पास कहां पे निकालना है, ये भी जो भी वेलोसिटी आपको फाइंड करना है वो वेलोसिटी आपके पास कहां पे निकालना है, किस पॉइंट पे निकालना है, 2 3 पे, मतलब एक्स का वैल्यू आपके पास 2 है और वाई का वैल्यू आपके पास क्या है, 3। नाउ यहां से अगर देखोगे तो ये हो गया रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर आपके पास हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, तो ये हो जाएगा रूट ओवर 13 यूनिट, ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया वेलोसिटी। राइट, तो ये आपके पास इस टाइप का प्रॉब्लम आपके पास देखोगे नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास प्रॉब्लम आया है कि शाई आपको दिया होता है, शाई आपके पास गिवन है, और शाई गिवन है तो आपके पास क्या बोलता है कि बताइए कि जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी आपके पास किसी पॉइंट पे आपके पास कितना होगा, या आपके पास वेलोसिटी वेक्टर पूछे तो भी आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी वेक्टर भी आप बता सकते हो। राइट, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास प्रॉब्लम सी था, तो ये प्रॉब्लम भी आपने देख लिया। नाउ प्रॉब्लम डी में आपके पास क्या बोल के रखा है, फ्लो रेट और डिस्चार्ज अक्रॉस अ लाइन जॉइनिंग 1 1 एंड 2 2। राइट, अब देखो आपके पास स्ट्रीम फंक्शन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है डिस्चार्ज, तो आपको ये पता है कि स्ट्रीम फंक्शन गिवन होता है तो डिस्चार्ज हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब क्या है, स्ट्रीम फंक्शन आपको गिवन है और आपके पास लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट है आपके पास 1 1, और आपके पास पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपके पास 2 2, और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज और फ्लो रेट, डिस्चार्ज और फ्लो रेट, तो आपको पता है डिस्चार्ज और फ्लो रेट। ठीक है, तो ये निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं, दिस इज नथिंग बट द मॉड शाई 1 माइनस शाई 2, या फिर मैं बोलूं अगर इस पॉइंट को मैं बोलता हूं ए और इस पॉइंट को मैं बोलता हूं बी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, शाई ए माइनस शाई बी, तो ये हो गया मॉड में। सो बेसिकली यहां से आता है क्या, यहां से आता है डिस्चार्ज और फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ। ठीक है, यहां से आप जब निकालोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, पर यूनिट डेप्थ, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्लो रेट और डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ, पर यूनिट डेप्थ अक्रॉस अ लाइन जॉइनिंग 1 1 एंड 2 2। राइट, तो यहां से अगर देखोगे शाई आपके पास पता था, शाई आपके पास क्या है, शाई आपके पास एक्स वाई है। नाउ सबसे पहले शाई ए निकाल लीजिए, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1 1, तो यहां से आपके पास क्या हो गया, 1 इंटू 1, ये हो गया 1। नाउ शाई बी अगर आप निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 4। नाउ यहां से देखो मॉड में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 यूनिट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिल गया, ये आपके मिल गया डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पर यूनिट डिस्चार्ज, या फिर फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ, पर यूनिट डेप्थ।
राइट तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ भी आप क्या कर सकते हो, आप फाइंड आउट कर सकते हो. राइट तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम था जिसमें आपके पास शाई गिवन है, नंबर ऑफ चीजें निकालनी है. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, शाई गिवन है, चेक करना है फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है. यू हैव टू चेक द लाप्लास इक्वेशन, सेटिस्फाई करता है इरोटेशनल, नहीं करता तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास रोटेशनल होगा. अगर इरोटेशनल है तो आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा. तो क्वेश्चन ये हो गया कि शाई मेरे को गिवन है, शाई मेरे को गिवन है और मेरे को फाई निकालना है. ठीक है, तो शाई गिवन है तो फाई कैसे निकालना है, ये भी मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया. तीसरा पॉइंट ये है कि शाई अगर गिवन होगा तो मेरे को क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, ये भी आपने देख लिया. और नेक्स्ट आपके पास है शाई अगर गिवन होगा तो मेरे को फ्लो रेट या फिर मेरे को क्या करना है, डिस्चार्ज मेरे को फाइंड आउट करना है. तो वो भी आपने क्या कर लिया, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया. राइट तो एक प्रॉब्लम था, ठीक है, एक मेन प्रॉब्लम था, देन नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम थे. ठीक है, तो यहां से आपके पास स्ट्रीम फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज क्लियर. राइट नाउ नेक्स्ट आपके पास जो है, आपके पास क्या है, दैट इज अ वेलोसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम था, वेलोसिटी पोटेंशियल से रिलेटेड आपके पास प्रॉब्लम था. नाउ उस प्रॉब्लम को देखिए. नाउ अब यहां से अगर आप देखोगे सेकंड प्रॉब्लम, तो सेकंड प्रॉब्लम में आपके पास क्या बोल के रखा था, सेकंड प्रॉब्लम में आपके पास फाइ गिवन है. ठीक है, आपके पास फाइ जो है, फाइ आपके पास गिवन है और वो जो फाइ कितना गिवन था, दैट फाइ इज इक्वल टू, ये आपके पास गिवन है 3xy, टू डायमेंशनल फ्लो है. उस टू डायमेंशनल फ्लो के लिए फाइ आपके पास गिवन है. तो इसमें जो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर ए जो आपके पास पूछा था, वो ये पूछा है कि वेरीफाई वेदर द अबव फंक्शन इज वैलिड पोटेंशियल फंक्शन और नॉट. ठीक है, आपके पास वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है या नहीं, ये आपको क्या करना है, ये आपको चेक करना है. तो आपके पास वैलिड पोटेंशियल फंक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे, ये चेक करेंगे आप लाप्लास इक्वेशन के थ्रू. अगर फाई लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, अगर फाई जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास क्या है, दैट इज अ वैलिड पोटेंशियल फंक्शन. राइट तो आपके पास अगर आपके पास लाप्लास इक्वेशन लिखना होगा, तो आपके पास फ्लो टू डायमेंशनल है, तो टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. सो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास लाप्लास इक्वेशन है. और अगर फाइ इस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आपके पास फ्लो जो है वो आपके पास क्या होगा, आपके पास या जो ये पोटेंशियल फंक्शन है, ये पोटेंशियल फंक्शन आपके पास वैलिड पोटेंशियल फंक्शन होने वाला है. और अगर नहीं करेगा, तो आपके पास वैलिड पोटेंशियल फंक्शन आपके पास नहीं है. ठीक है, तो चेक करिए आपके पास क्या लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो यहां से अगर आप देखोगे, तो डेल फाइ बाई डेल एक्स ये हो जाएगा आपके पास 3y, नॉट डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपके पास क्या हो गया, जीरो. एंड सिमिलरली आप बता सकते हो कि डेल स्क्वायर फाइ बाई डेल वाई स्क्वायर भी क्या होगा, ये भी आपके पास होगा जीरो. तो यहां से अगर आप देखोगे जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो आपके पास क्या हो रहा है, लाप्लास इक्वेशन क्या हो रहा है, लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. लाप्लास इक्वेशन इज सेटिस्फाई. और अगर लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो आपके पास जो पोटेंशियल फंक्शन गिवन है, दैट इज वैलिड पोटेंशियल फंक्शन, वैलिड पोटेंशियल फंक्शन. राइट तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था. तो आपके पास चेक करना है कि बताइए वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है या नहीं. लाप्लास इक्वेशन को आप सेटिस्फाई देखिए, लाप्लास इक्वेशन को आप चेक करिए, सेटिस्फाई होता है तो आपके पास वैलिड पोटेंशियल फंक्शन है. राइट तो ये आपके पास पहला प्रॉब्लम था. सेकंड प्रॉब्लम में आपके पास क्या बोल के रखा है कि आपके पास वेलोसिटी बताना है, कहां पे बताना है, 0.21 पे. तो प्रॉब्लम नंबर बी जो है, आपके पास फाई गिवन है, द फाई इज इक्वल टू 3xy गिवन है, और आपको क्या करना है, वेलोसिटी बताना है. और वेलोसिटी कहां पे बताना है, वो भी पॉइंट आपको बता दिया गया है. पॉइंट आपके पास क्या है, पॉइंट है आपके पास 21. ठीक है, तो ये आपके पास क्या करना है, ये आपके पास वेलोसिटी आपको बताना है. राइट तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए. तो आपको पता है अच्छे से कि डेल फाई बाई डेल एक्स इसके इक्वल होता है, ये हो गया माइनस यू के इक्वल. और जो डेल फाइ बाई डेल वाई होता है, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है आपके पास माइनस वी के इक्वल. नॉट डेल फाइ बाई डेल एक्स अगर निकालोगे, डेल फाइ बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू माइनस यू. सो यू इज इक्वल टू माइनस 3y, ये हो गया आपके पास. नॉट डेल फाइ बाई डेल वाई अगर देखोगे, डेल फाइ बाई डेल वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x के इक्वल, और ये हो जाएगा माइनस वी. सो वी इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज माइनस 3x. तो यहां से अगर वेलोसिटी वेक्टर की बात करोगे, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा, दैट वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप प्लस आप लिखते हो वी जे कैप. नाउ यहां से अगर आप देखोगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3 वाई आई कैप प्लस और माइनस 3x, ये हो गया क्या, ये हो गया आपके पास जे कैप. राइट ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास वेलोसिटी वेक्टर. अब देखो आपके पास क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नीट्यूड. तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा, तो दैट इज रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. नाउ यहां से अगर आप देखोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास यू है माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर. यही होगा आपके पास यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. तो यहां से अगर आप देखोगे, तो आपके पास यू जो है, दैट इज यू, यहां से फिर से लिख देता हूं, दैट यू इज इक्वल टू माइनस 3y, और आपके पास जो वी है, दैट वी इज इक्वल टू माइनस
3x और किस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो जिस पॉइंट पे निकालना है वो लिख लीजिए. तो आपके पास किस पॉइंट पे निकालना है, 2 1 पे. सो x is equal to 2 and y is equal to 1. सो यहां से अगर देखोगे तो ये हो जाएगा root over 9 into 1 plus 3 multiplied by now x square, तो ये हो गया 4. नाउ यहां से दैट इज root over 9 plus 4 3 जा, ये हो गया आपके पास 12. राइट, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट द root over 21 यूनिट, root over 21 यूनिट. राइट, तो यहां आपके पास क्या हो गया, इस वे में आप क्या कर सकते हो, इस वे में आप वेलोसिटी क्या कर सकते हो, वेलोसिटी आपके पास फाइंड कर सकते हो. तो सेकंड क्वेश्चन में आपके पास यही पूछा था कि अगर फाई आपके पास गिवन है तो बताइए आपके पास v कितना होगा, ये आपसे पूछा था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एंड दैट पॉइंट इज 2 1. राइट, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आसानी से कर सकते हो. नाउ थर्ड प्रॉब्लम जो देखिए, थर्ड प्रॉब्लम में क्या बोल के रखा है, अब आपके पास फाई गिवन है और आपको क्या बताना है, अब आपको शाई बताना है. ठीक है, थर्ड अगर देखोगे सी प्रॉब्लम को देखोगे तो प्रॉब्लम सी में आपके पास फाई गिवन है और आपको क्या करना है, आपको शाई बताना है. नाउ फाई गिवन है, फाई आपके पास गिवन है, दैट इज 3xy, और आपको बताना है कि बताइए शाई कितना होगा. ठीक है, नाउ यहां से आपके पास देखोगे तो अगेन मैं लिख देता हूं रिलेशन, डेल फाई बाई डेल एक्स इसका इक्वल होता है, ये हो गया आपके पास माइनस यू. डेल फाई बाई डेल वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस वी के इक्वल. डेल शाई बाई डेल एक्स इसका इक्वल होता है, ये होता है वी के इक्वल. और डेल शाई बाई डेल वाई किसके इक्वल होता है, ये होता है माइनस यू के इक्वल. राइट, अब देखो फाई गिवन है, तो फाई अगर गिवन है तो डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस यू. और यहां से देखोगे तो माइनस यू किसका इक्वल है, डेल शाई बाई डेल वाई के इक्वल है. तो मैं ऐसा लिख सकता हूं डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल शाई बाई डेल वाई. नॉट डेल शाई बाई डेल वाई किसका जाएगा, आ जाएगा डेल फाई बाई डेल एक्स. तो यहां से आपको दिख रहा है डेल फाई बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 3y plus 3y plus sorry, ये आपके पास आ गया डेल. यहां से आगे देखोगे डेल फाई बाई डेल एक्स इसका इक्वल है आपके पास डेल शाई बाई डेल वाई के इक्वल है. नॉट डेल शाई बाई डेल वाई चाहिए तो आपके पास क्या करोगे, डेल फाई बाई डेल एक्स. तो ये आपके पास फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा डेल फाई बाई डेल, डेल फाई बाई डेल एक्स आपके पास आ गया 3y के इक्वल. राइट, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को शाई चाहिए, तो शाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस आपके पास ये हो गया एफ ऑफ एक्स. राइट, तो ये आपके पास शाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, ये आपके पास शाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, बट यहां पे एफ ऑफ एक्स आपको निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए, ठीक है, एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहां से देख लीजिए अगेन आपके पास जो डेल शाई बाई डेल वाई, डेल शाई बाई डेल वाई, तो डेल शाई बाई डेल वाई यहां से अगर आप देखोगे डेल सॉरी डेल शाई बाई डेल एक्स, डेल शाई बाई डेल एक्स इसके इक्वल है वी के इक्वल है. और v जो है वो किसके इक्वल है, आपके पास माइनस डेल फाई बाई डेल वाई के इक्वल है. तो मैं क्या लिख सकता हूं, डेल शाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल फाई बाई डेल वाई, माइनस डेल फाई बाई, ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया डेल वाई. नाउ यहां से अगर आप देखोगे डेल शाई बाई डेल एक्स, राइट, यहां से अगर देखोगे, यहां से अगर मैं डेल शाई बाई डेल एक्स कैलकुलेट करने जाऊं या डेल शाई बाई डेल एक्स कैलकुलेट करूं मैं यहां से, तो मैं क्या देख रहा हूं, यहां से ये होगा टर्म जीरो, ये जीरो हो गया, प्लस ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स पुट कर दीजिए यहां पे, एफ डैश ऑफ एक्स डेल शाई बाई डेल एक्स, यही तो आया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू नाउ माइनस डेल फाई बाई डेल वाई. तो फाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास वाई, तो ये हो जाएगा माइनस 3x. नाउ यहां से मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए एफ ऑफ एक्स, क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, सो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट व्हिच इज सी. तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स निकल गया. नाउ एफ ऑफ एक्स निकल गया, अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूं, शाई बता सकता हूं. तो शाई इज इक्वल टू 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस, या फिर यहां से लिख लीजिए माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस ये हो गया आपके पास क्या हो गया कांस्टेंट. तो यहां से अगर शाई निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास कांस्टेंट. ठीक है, तो इस वे में आप क्या कर सकते हो, इस वे में आप शाई बता सकते हो अगर आपको क्या गिवन है, अगर आपको फाई गिवन है तो. ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आपके पास फाई गिवन है और आपको क्या करना है, आपको शाई बताना है. ठीक है, तो ये रिलेशन अगर पता होगा तो आप इजिली क्या कर सकते हो, इजिली आप शाई बता सकते हो इफ फाई इज गिवन. ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपके पास शाई गिवन था, फाई बताना था, वैसे यहां पे आपके पास क्या है, फाई गिवन है और आपको क्या करना है, आपको शाई बताना है. और एक बार आपके पास शाई पता चल गया, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास क्या बोल के रखा है, प्रॉब्लम नंबर डी. आपके पास प्रॉब्लम डी में क्या बोल के रखा है, डी में कि आपको क्या बताना है, फ्लो रेट और डिस्चार्ज अक्रॉस अ लाइन जॉइनिंग 1 1 एंड 2 1. ठीक है, सो अगेन आपके पास क्या बताना है, ये आपके पास जो ए और बी, दिस इज ए दिस इज बी, ए का जो कोऑर्डिनेट है ये आपको देके रखा है 1 1 1 1
और ये आपके पास कितना दे के रखा है, ये आपके पास 2-2 दे के रखा है. सो 1-1 और 2-2 ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पॉइंट्स है. नाउ लाइन जो ज्वाइन कर रहा है यहां से कितना डिस्चार्ज होगा ये आपको बताना है, या फिर आपके पास मैं बोलूं डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ आपको क्या करना है, पर यूनिट डेप्थ आपको बताना है. तो ये भी आसान है, आप इजीली बता सकते हो कि क्या होगा, क्योंकि आपको पता है अगर शाही मेरे को पता चल गया है, अगर मेरे को स्ट्रीम फंक्शन पता चल गया है तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ, डिस्चार्ज डिस्चार्ज और फ्लो रेट, फ्लो रेट पर यूनिट डेप्थ, एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या लिखूंगा, शाई ए माइनस शाई बी, मॉड ऑफ शाई ए माइनस शाई बी. नाउ शाई को देख तो आप तो ये हो जाएगा 3/2 लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट. नाउ निकालिए शाई कहां पे, ए मतलब 1 1 1 1, सो 3/2 ये हो जाएगा आपके पास 1 1, तो ये तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया आपके पास 0, ये हो गया 0 प्लस कॉन्स्टेंट मतलब आपके पास कॉन्स्टेंट. सो यहां से आपके पास क्या हो गया, शाई 1 1 यहां से कैलकुलेट हो चुका है. तो शाई 1 1 किसके इक्वल आ गया, सी के इक्वल. नाउ शाई आपको क्या बताना है, आपको बताना है 2 2, तो शाई 2 2 भी अगर बताओगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 4 माइनस 4, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी आपके पास कॉन्स्टेंट. ठीक है, नाउ यहां से आपके पास क्या बताना है, डिस्चार्ज होगा क्या. ठीक है, अगर उस सेक्शन की बात करते हो सेक्शन ए बी, तो सेक्शन ए बी से अगर आप निकाल रहे हो तो आपके पास क्या हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके पास कॉन्स्टेंट है, तो ये आपके पास क्या गया, डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ दैट इज इक्वल टू 0 0. तो आपके पास क्या हो गया, डिस्चार्ज डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ, पर यूनिट डेप्थ. ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन से आपके पास कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा. सो डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ आपके पास क्या हो गया, दैट इज 0. ठीक है, लेकिन वही हाँ, अगर आपके पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए. ठीक है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए, अगर सपोज ये आपके पास हो जाता 1 2 और ये आपके पास हो जाता सपोज 4 5. ठीक है, सो डेफिनेटली उस टाइम पे आपके पास क्या होगा, उस पर्टिकुलर सेक्शन से आपके पास क्या होगा, डिस्चार्ज होगा. और वो डिस्चार्ज भी आप क्या कर सकते हो, वो डिस्चार्ज को भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. क्लियर हो गई बात. ठीक है, तो इस वे में आप क्या कर सकते हैं, इस वे में आप डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास प्रॉब्लम नंबर 2 था. तो प्रॉब्लम नंबर 2 कंप्लीट हुआ. नाउ प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बोल के रखा है. तो प्रॉब्लम नंबर 3 को देखिए. नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम 3 को देखिए. प्रॉब्लम 3 में आपके पास क्या बोल के रखा हुआ है, अ फ्लो इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्ट्रीम फंक्शन. आपके पास शाई गिवन है, और शाई आपके पास कितना गिवन है, दैट इज 2√3, और यह गिवन है आपके पास xy. लोकेट द पॉइंट एट विच द वेलोसिटी वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 यूनिट. ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको गिवन है, दैट इज रूट ओवर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये होता है. तो ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, दैट इज 4 यूनिट, ये आपको गिवन है 4 यूनिट. आगे जाएंगे तो आपके पास बोल के रखा हुआ है कि जो आपके पास रिजल्टेंट है मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो आपके पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, आपके पास 150 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो आपको क्या बताना है, पॉइंट बताना है, लोकेशन बताना है. तो मेनली आपको क्या बताना है, x और y आपके पास कोऑर्डिनेट बताने हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके पास यही बोल के रखा हुआ है. तो आपको पता है कि अगर शाई का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे तो डेल शाई बाई डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द v, और डेल शाई बाई डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट द माइनस यू. यही हम लिखते हैं. तो यहां से अगर आप देखोगे डेल शाई बाई डेल एक्स, तो इजिली आप बता सकते हैं कि v क्या होगा. नाउ डेल शाई बाई डेल एक्स यहां से देख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2√3, और ये हो जाएगा डेल शाई बाई डेल एक्स, तो ये हो गया वाई. सिमिलरली अगर मैं बोलूँ डेल शाई बाई डेल वाई, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये वी यू, आपके पास वी आ गया. नाउ यू बताना होगा, तो माइनस डेल शाई बाई डेल वाई, ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये हो गया आपके पास, ये हो जाएगा -2√3, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स. ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यू और वी, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो यू और वी आपके पास आ गया. नाउ आपको क्या चाहिए, आपके पास दे के रखा है मॉड ऑफ वेक्टर वी, ये आपको दे के रखा है मॉड ऑफ वेक्टर वी इज इक्वल टू √u², तो आप इसको क्या लिख सकते हो, u, तो ये हो जाएगा -2√3 x का स्क्वायर प्लस, आगे जाओगे v, तो v आपके पास कितना है, दैट इज 2√3, और ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास y का स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास ये जो मोड ऑफ वेक्टर v ये आपको गिवन है, दैट इज 4 यूनिट. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, ये लिख लीजिएगा फिर से -2√3 x का स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 2√3, और ये हो गया y का स्क्वायर. ठीक है, चलो इसको मैं बोल देता हूं दिस इज द इक्वेशन नंबर ए. ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर ए आ गया. अब देखिए सेकंड में अगर आप देखोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट आपके पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो भी आपको दिया है. तो अगर मान लो जो एक्स एक्सिस, अगर एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है यू होता है, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है दैट इज वी, दोनों का जो रिजल्टेंट है दिस इज वेक्टर वी, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास टैन थीटा, या फिर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है आपके पास क्या है, दैट इज थीटा. तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप टैन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो.
तो tan थीटा अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट द v बाई u, ठीक है। और यहां पे आपके पास वही थीटा आपके पास गिवन है और वो कितना गिवन है, दैट इज 150 डिग्री। नाउ यहां से अगर देखोगे तो v अगर आप देखोगे तो v आपके पास कितना है, दैट इज 2√3 y, और यहां से अगर u को देखोगे तो ये कितना है, −2√3, और ये हो गया आपके पास x। सो 2√3 चला गया, नॉट tan 150 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा −y/x, राइट। तो यहां से अगर आप देखोगे एक इक्वेशन ए है, दिस इज द इक्वेशन नंबर ए एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर बी, दो इक्वेशन है मेरे पास, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, और मेरे पास दो अननोन है। कौन कौन से अननोन है, मेरे पास एक्स अननोन है और मेरे पास वाई अननोन है, और यही एक्स और वाई मेरे को क्या करना है, यही एक्स और वाई मेरे को फाइंड आउट करना है। तो आप आसानी से, आपके पास अगर दो अननोन है, तो आपके पास क्या कर, सॉरी दो इक्वेशन है तो आप आसानी से दो अननोन को क्या कर सकते हो, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। तो यहां से आपके पास क्या मिल जाएगा, यहां से आपको एक्स वाई मिल जाएगा, और क्वेश्चन में आपके पास यही पूछा हुआ है कि बताइए कि आपके पास वो पॉइंट कहां, वो पॉइंट कहां पे होगा, एक्स वाई क्या होगा, जहां पे आपके पास जो वेलोसिटी वेक्टर है उस वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपके पास ये जो पॉइंट है आसानी से आप निकाल सकते हो, क्लियर। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, ये आप आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीम फंक्शन और आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है, ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए आप पुराना वाला लेक्चर बिल्कुल रिकॉल कर लो, तभी आपको यहां से चीजें समझ आएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक है, ठीक है, काइनेमेटिक्स यहां तक पढ़ना है आपको, जो नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है डायनामिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा तो डायनामिक्स से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।